अंधेर की लत झेल रहे पंजाब को जल्द ही बोकारो से अपने हिस्से की 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल जाएगी। दप्पर स्टेशन से शनिवार सुबह पंजाब की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो के लिए रवाना हुई। ये जानकारी राज्य सरकार द्वारा गठित ऑक्सीजन कंट्रोल रूम के प्रभारी सीनियर IAS अफसर राहुल तिवारी ने दी। भारत सरकार ने पंजाब सरकार को बोकारो से 80 मेट्रिक टन LMO लिफ्ट करने का कोटा दिया है। इस कोटा को लिफ्ट करने के लिए हम इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स के द्वारा अपने टैंकर एयरलिफ्ट करके बोकारो भेज रहे थे और वहां से हमारे ये टैंकर्स बाय रोड चल के 3-3.5 दिन में पंजाब वापस आ रहे थे, जिससे पंजाब के सारे अस्पतालों को हम LMO की सप्लाई कर रहे थे। पंजाब के अंदर LMO का कोई भी प्लांट नहीं है। पिछले कुछ दिनों में IAF की कमिटमेंट्स काफ़ी बढ़ गई हैं और कुछ वेदर वगैरह ख़राब होने की वजह से भी कई बार प्लेन टाइम पे नहीं उड़ पा रहे हैं, जिससे हमारा ये साइकिल ब्रेक हो रहा है। इसलिए हमने रेलवे के साथ टाई अप करके कल रात पंजाब की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। इसमें हमने 40 मेट्रिक टन के 2 कंटेनर ऑक्सीजन एक्सप्रेस में रख के बोकारो की ओर रवाना कर दिए हैं। आज रात वो बोकारो पहुँच जाएंगे। मार्कफेड, जो कि पंजाब सरकार का एक अदारा है, उन्होंने लॉजिस्टिक्स का प्रबंध बोकारो में किया हुआ है। वहाँ पे इन टैंकर्स को रेल से उठाकर ट्रकों पे रख के हमारे बोकारो के अलॉटेड प्लांट्स में ले जाया जाएगा। वहाँ से LMO भर के वापस ट्रेन में आएगी और ये ट्रेन वापस परसों पंजाब आ जाएगी। हम एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के लिए प्रयासरत हैं। तो रोहतक जिले के नेशनल हाईवे पर अचानक एक कार में आग लग गई।